वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ तृप्ति और जैसा कि आपको पता है कि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत लोगों की वेडिंग हो चुकी है, बहुत लोगों की वेडिंग होने वाली है। सो आप लोगों को भी बहुत सारे वेडिंग फंक्शन एंड पार्टीज वगैरह अटेंड करने होंगे, उसमें आप लोग भी पहनते होंगे बहुत ही अच्छी हैवी अनारकली लहंगा एंड स्कर्ट्स वगैरह जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो आप सभी भी पहनते होंगे। बट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे लहंगा या फिर अनारकली होते हैं वो हैवी तो बहुत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, हमने बहुत पैसे भी लगाए होते हैं, बट वो उतनी फैली फैली नहीं दिखती है जितनी कि आप जैसे पिक्चर्स में देखते होगे या फिर फोटोज़ में देखते होगे, जो मॉडल ने पहन रखा होगा वो आप देखते होगे, उस टाइप की आपको लुक नहीं मिल पाती है बिकॉज आपने उसमें कैनकेन नहीं लगाया होता है। अब कैनकेन आप लगवाने जाओगे तो उसके आपके एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं टेलर वाले, बहुत नहीं तो 300-500 तक एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं कैनकेन के, और कैनकेन लगाने के कहीं कहीं पर 1000 भी ले लेते हैं। सो बस एक ही मतलब एक लहंगे में या फिर एक अनारकली में या फिर एक स्कर्ट में आपको 500-2000 बस कैनकेन लगवाने के और कैनकेन के पैसे देने पड़ते हैं टेलर को। सो आपकी इस प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है वो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। आपको बस लेना है कैनकेन, वो आपको 700-1000 रुपीस में मिल जाएगी और उसके बाद आप इससे किसी भी ड्रेस पे, किसी भी अनारकली पे, किसी भी लहंगा पे या किसी भी स्कर्ट पे यूज़ कर सकते हो, उसे पहन सकते हो और बहुत ही अच्छी सी फ्लेयर पा सकते हो, बहुत अच्छी सी आपकी लहंगा जो है फैली फैली लगेगी, बिल्कुल भी चिपकी हुई नहीं लगेगी, आपकी जो लहंगा है वो खिल के आएगी। सो मैंने अमेज़न से दो टाइप के कैनकेन परचेस किए हैं, एक जो है विदाउट हुप है और एक जो है विथ हुप है। तो आपको कौन सी वाली कैनकेन लेनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊँगी। पहले तो मैं आपको दोनों ही कैनकेन दिखा देती हूँ। सो गाइस पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये कैनकेन है क्या, क्योंकि जब भी मैं किसी लहंगा में बताती हूँ कैनकेन का जिक्र करती हूँ तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैनकेन है क्या और कहाँ से परचेस करनी है, कैसे यूज़ करनी है। तो पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कैनकेन की, उसके बाद फिर आगे बताती हूँ कि कौन सी कैनकेन आपको लेनी चाहिए विथ हुक और विदाउट हुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसे तो मेरे पास दो कैनकेन है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो कैनकेन है विदाउट हुप, लेकिन बहुत ही अच्छी है। सो कैनकेन कुछ इस तरह की होती है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह की स्कर्ट मिलती है। आपको कुछ इस तरह की स्कर्ट मिलती है, आप देख सकते हो ये स्कर्ट है और इसमें इलास्टिक लगी हुई है, साथ ही आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये होती है कैनकेन जो कि स्कर्ट की टाइप की होती है, और यहाँ ये आई थिंक कुछ क्या मटेरियल है पता नहीं, बट ठीक है ऊपर की जो भी मटेरियल है ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपको ये मिलती है, ये जो नेट है ना ये बहुत ही हार्ड वाली नेट होती है जो कैनकेन में यूज़ होती है, और आप देख सकते हो कुछ इस तरह की फैली हुई है, मेरे कैमरे में भी फिट नहीं हो रही है इतनी बड़ी है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कैनकेन होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फैली हुई होती है, और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितने लेयर हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सो इस कैनकेन में आपको 5 लेयर मिलते हैं, 4 लेयर जो है वो नेट की है और एक लेयर जिसमें सैटिन की फैब्रिक है, आई थिंक सैटिन की फैब्रिक है उसकी है। तो इसमें आपको टोटल 5 लेयर मिलते हैं, और ये है कैनकेन, इसे आप अपने अनारकली जो हैवी अनारकली होती है उसके अंदर पहन सकते हो, लहंगा के अंदर पहन सकते हो, साथ ही किसी भी स्कर्ट के अंदर पहन सकते हो, और उसे बहुत ही अच्छी से खिली खिली बना सकते हो, बिल्कुल भी वो चिपकी हुई नहीं लगेगी। सो इस तरह से आप कैनकेन पहन सकते हो, और ये विदाउट हुक है। सो गाइज यदि आप इसे परचेस करना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं भी अभी इसे पहन के भी दिखाऊंगी विथ हुक और विदाउट हुक वाले कैनकेन में क्या डिफरेंस होता है और आपको क्या लेनी चाहिए। तो ये फर्स्ट है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसमें आप देख सकते हो कोई भी हुक नहीं लगी हुई है, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ विथ हुप वाली कैनकेन, सो ये विदाउट हुप वाली है। तो गाइज ये है मेरे पास नेक्स्ट कैनकेन, और आप देख सकते हो इसमें कुछ स्ट्रेचेबल क्लोथ लगाई गई है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, और आप देख सकते हो इसकी इलास्टिक भी बहुत अच्छी है, और ये विथ हुप वाली कैनकेन है, और इसमें आपको मिलती है हुप। और हुप किसे बोलते हैं तो आप देख लो, ये आपको कैनकेन के अंदर में इस तरह की राउंड सी रिंग लगाई होती है जो कि आई थिंक स्टील की होती है, स्टील की रिंग लगाई होती है। तो आई डोंट नो ये स्टील की है या फिर एल्यूमिनियम की है, बट एक रिंग लगाई होती है, देख सकते हो आप कुछ इस तरह की, ये राउंड सी आपको दिख रही होगी।
तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की रिंग लगाई हुई है इसके चारों साइड। तो ये रिंग हमेशा ऐसे ही रहती है और आपके लहंगा जो है ये इसमें राउंड दिखते हैं एनी टाइम। ये आपके मतलब लहंगा के चारों तरफ रहती है अंदर से और आपके लहंगा की शेप हमेशा राउंड रहती है। सो मुझे ये वाली भी बहुत पसंद है और इसमें आपको कितने लेयर मिलते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। फर्स्ट तो ये लेयर हो गई जिसमें कि रिंग लगाई हुई है, सेकेंड लेयर नेट की, थर्ड लेयर नेट की। सो इसमें आपको थ्री लेयर मिलते हैं, टू लेयर है नेट के और थर्ड लेयर है ये रिंग वाली हुक वाली। तो ये आपके लहंगा को राउंड दिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो गाइस ये वाली जो कैनकेन है वो उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जिनकी दुल्हनों के लिए जो ब्राइड्स होती हैं उनको एनी टाइम स्टेज पे खड़ा होना होता है, तो उनकी लहंगा जो है हमेशा इस पे फिक्स रहेगी, राउंड दिखेगी, बहुत ही अच्छी शेप में दिखेगी और जो भी उनका लहंगा का डिज़ाइन है वो अच्छे से उभर के आएगा। साथ ही किसी की इंगेजमेंट है उसमें वो लहंगा पहन रही है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि उस टाइम पे भी उनका लहंगा जो हमेशा शेप में रहेगा, उनकी जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखेगी। सो उन लोगों के लिए ये लहंगा बहुत अच्छी है। बट वैसे लोग जो कि वेडिंग पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं या फिर शादी अटेंड करने जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में पहन रहे हैं लहंगा या फिर अनारकली, वो लोग के लिए ये वाली हुक वाली जो कैनकेन है वो सूटेबल नहीं है क्योंकि आपको इतना ज़रूरत नहीं होता है कि आप ये हुक वाली पहनो एनी टाइम अपने लहंगे को पूरे राउंड शेप में दिखाओ। आपके लिए ये विदाउट हुक वाली काफ़ी अच्छी है, मुझे ये वाली ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि नॉर्मल जो भी हम वेडिंग अटेंड करते हैं तो यदि हमारी ही लहंगा पूरी फैली हुई लगेगी तो लोग हमें ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। सो ये आपको जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी आपको ये फ्लैट दे देती है, अच्छी लुक देती है आपके कोई भी ड्रेस को। सो मैं आपको ये वाली सजेस्ट करूँगी। बट यदि ब्राइड्स लेना चाहते हैं अपने लिए तो आप ये वाली ले सकते हो हुक वाली, इससे आपकी जो लहंगा है वो बहुत अच्छी शेप में दिखेगी, स्टेज में काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो आप ये वाली ले सकते हो। सो ये आती है विथ हुक और इसकी प्राइस है आई थिंक 1100 रुपीज़। मैंने इसे 1093 रुपीज़ में लिया था। ये है विथ हुक और ये है विदाउट हुक। बट गाइज मैं ये पहनना ज़्यादा पसंद करूँगी, इसे नॉर्मल यदि मुझे किसी पार्टी फंक्शन में पहनना हो तो मैं इसे पहनना ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि ये अच्छी शेप देती है आपके लहंगे को या फिर स्कर्ट को और आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो। इसमें आपकी हुक नहीं रहती है तो बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगी। दुल्हनों के लिए ठीक है हुक वाली, पर हमारे जैसे लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ये वाली कैनकेन बहुत अच्छी है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो अब चलिए मैं आपको दोनों को ही पहन के दिखाती हूँ और दिखाती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। सो गाइस अभी जो मैंने दोनों आपको कैनकेन दिखाए वो दोनों मैंने अमेजन से परचेस किए थे और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो यदि आपको चाहिए तो। और गाइस आपके पास एक कैनकेन तो होना ही चाहिए क्योंकि अभी वेडिंग सीजन है और आपके पास एक कैनकेन होगी तो आप उसे बहुत ही टाइप से यूज़ कर सकते हो, अनारकली में, लहंगा में, स्कर्ट में, जिसमें चाहो पहन सकते हो। और कैनकेन पहनने के बाद कोई भी ड्रेस पहनोगे ना, मतलब सिंपल सी भी ड्रेस रहेगी ना तो वो खिल के आती है और बहुत ही अच्छी लुक देती है, तो काफ़ी अच्छी लगती है कैनकेन की हेल्प से और काफ़ी अफोर्डेबल भी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। बट हाँ मुझे इसे फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो मैं तो बस इसे इस टाइप से फोल्ड करके बस इसे कहीं पर अच्छे से रख देती हूँ, बस ये गंदी ना हो, क्योंकि इसे फोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। और अब इसे बहुत ज़बरदस्ती फोल्ड करके रख भी दो तो उसके बाद उसमें लाइनिंग आ जाती है जो कि फिर आपको सेट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं इसे अच्छे से फोल्ड नहीं करती हूँ, बस ऐसे ही अच्छे से रख देती हूँ इसे मोड़ करके। सो गाइज आई होप आपको कैनकेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को पक्का प्रेस कीजिएगा। और यदि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स की भी हेल्प करना चाहते हो, आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, थोड़ी ऐसा लगता है कि हाँ आपको मेरी वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिल रही है, तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, फेसबुक में शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, जहाँ भी चाहो आप शेयर कर सकते हो। ओके गाइज फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।